नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS Academy में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन प्रश्नों का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्टूडेंट्स हर वक्त तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तो आपको मैं इसी कड़ी में कुछ कॉमन ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि ट्राइबल की लिस्ट अलग से आएगी या नहीं आएगी, तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ट्राइबल की लिस्ट है जो बिल्कुल अलग से आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और खासकर उन स्टूडेंट्स का है जिनका नाम अभी लिस्ट में नहीं आया है। दूसरा प्रश्न है कि नाम रिपीट क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इस लिस्ट में नाम कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। कम अंक वालों को भी मिलेगा मौका, आखिर क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक अखबार की न्यूज का रुख कर लेते हैं, उसकी हेडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आप लोग देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी 7,500 पदों पर होनी है भर्ती, जुलाई में आएगी आखिरी लिस्ट। 11,056 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, पर यह स्पष्ट नहीं है कि चयनित हुआ है और कौन वेटिंग में है, मतलब कौन चयनित हुआ कौन वेटिंग लिस्ट में है, इसके बारे में अभी तक कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार ने वेटिंग लिस्ट प्लस फ्रेश लिस्ट को सेकंड काउंसलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट्स के हैं और TRC पोर्टल पर 27 तारीख तक आप सभी को पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और 27 तारीख के बाद यदि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आप इसमें अमान्य होंगे, आपकी पात्रता इसके लिए नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम एक बात महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात करेंगे कि नाम आखिर रिपीट क्यों हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, इस स्क्रीनशॉट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको रविदास करके एक बंदा है जिसके दो बार रिपीट हुआ है, सेम उसका डेटा है यानी रोल नंबर और उसके अंक, कंसोलिडेटेड रैंक, एक कैटेगरी वगैरह सभी सेम है। उसके बाद आप दूसरा बंदा भी देख रहे हैं, लक्ष्मण कुशवाहा, इसके भी देखिएगा रोल नंबर और कंसोलिडेटेड रैंक नंबर सभी सेम है, OBC कैटेगरी है ये नंबर, इस तरीके से इनके नाम रिपीट हो रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से और भी नाम रिपीट हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि जो बंदे मतलब ऐसे हैं जिनका नाम रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि या तो वो अभी अपनी जो गेस्ट फैकल्टी है या फिर नॉन गेस्ट फैकल्टी है उसमें भी फाइट कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनका अदर कैटेगरी यानी UR में भी सिलेक्शन होने की उम्मीद है, इसलिए उनको अभी इस नाम इस बार रिपीट हो रहे हैं। आप मान के चलें यदि किसी भी लिस्ट में 1,000 स्टूडेंट्स हैं तो 1,000 में 300 से लेके मतलब 250 से लेके 300 तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम रिपीट हुए हैं, और इसका नुकसान उन छात्रों को हुआ है जिनका नाम अभी भी लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हुई नाम रिपीट की। और आपको बता दें, एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या जनजाति विभाग और जो DPI है हमारा, इसकी संयुक्त काउंसलिंग है क्या? नहीं, यदि संयुक्त काउंसलिंग होगी तो आपको इस प्रकार से होगा, प्राथमिक शिक्षा हेतु दस्तावेज सत्यापन के संबंध में सूचना है जो उन्होंने देखी गई, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर जनजाति कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती की कार्रवाई की जा रही है, मतलब दोनों विभागों के नाम दिए गए हैं, दोनों विभागों ने यहाँ पर ये बात कही है। यदि इस प्रकार से यदि कोई रोस्टर जारी होता, कोई आदेश जारी होता, तो आपको जरूर पता चल जाता कि ये DPI और ट्राइबल दोनों की संयुक्त काउंसलिंग है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किसकी है? DPI की है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ट्राइबल की लिस्ट अभी बाद में आएगी। एक सबसे बड़ा प्रश्न है अंडर प्रोसेस का क्या चक्कर है। यार, अंडर प्रोसेस की बात बता दूं, अंडर प्रोसेस का मतलब होता है कि वो कार्य प्रगति पर है, वो कार्य चल रहा है, सिंपल शब्दों में समझे तो। कभी कभी इसको ये भी बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम प्रगति पर है। यहाँ देखिएगा, 19/10/2022 के विज्ञापन के आधार पर प्राथमिक शिक्षक की पद अभ्यर्थियों की सूची जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रचलन में है के कारण दस्तावेज अपलोड की अनुमति नहीं, यानी ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम इस अंडर प्रोसेसिंग वाली लिस्ट में नाम है उनको अब किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं। अब देखिएगा, इनको चयन सूची, इनके नियुक्ति पत्र जारी सरकार करती है, कब तक करती है, या पहले करती है या फिर सभी के साथ में करती है, लेकिन इनको ना तो अभी कोई जरूरत नहीं, इनका वेरिफिकेशन ही होगा, वेरिफिकेशन के बाद इनको भी नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे, इसलिए अंडर प्रोसेस मतलब आपको अभी तक कुछ भी नहीं करना है। ये आपको देख रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनको डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है, किसी को TWD है, मतलब ट्राइबल भी है, उसका ट्राइबल भी इसमें दिया गया है, लेकिन ये लिस्ट है जो कल अपडेट हुई है, आप इसमें अपना नाम एक बार जरूर चेक कर लें, आपको
हो सकता है आपका नाम ना हो लेकिन आपका नाम है जो इसमें ऐड हो गया हो, ये बात को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात हम बात करें कि ऐसे छात्र जिनका नाम कहीं भी नहीं आया उनका क्या होगा, उनका कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं उनका भी एक सबसे बेहतरीन आइडिया है कि यदि अभी भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी और वेटिंग लिस्ट में भी आपको मौका मिलेगा, इसके बावजूद भी नहीं होता है तो आपके पास सीधा सिंपल सा फंडा है 51,000 पद वृद्धि के लिए, अभी भी लग जाओ। यदि 51,000 पद वृद्धि होती है तो सभी को मौका मिलेगा और अभी भी आपका नाम नहीं आया तो 110% आपका नाम आ जाएगा। इसलिए जो 2 जून को मतलब आंदोलन हो रहा है उसमें भाग लें, सक्रिय रहें और एक्टिव रहें और सभी को साथ लेकर आएं यदि आप अपना नाम चाहते हैं, क्योंकि घर बैठ के नौकरी नहीं मिलती। आप सोच रहे हैं घर बैठ के नाम आ जाएं तो कभी ऐसा नहीं होगा और सरकारें कभी ऐसा ना करेंगी, ठीक है। तो 51,000 पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करते रहें, अपने साथियों का साथ दें और जनता को और अपने साथियों को जागरूक करते रहें। दोस्तों आपके से लगभग सभी सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। कोई भी रिलेटेड प्रश्न है वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के जवाब दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।